एक बुढ़ा ब्राह्मण नदी किनारे रोज बैठदा है, हर रोज सामने रख के भगवान दी मूर्त ते फिर माला फेरदा, माला जपदा, ते फिर नितनेम है वी जिस वेले माला पूरियां हो जान, कदे बर्फी कदे लड्डू कदे कोई होर चीज नाल लियांदा है पूरी बन के ते भगवान दे अगे रखदा, अरदास करदा है, लो महाराज छको भोग लाओ सीध प्रसाद बख्शो। इंज करदियां खबरे कितने वरे बीत गए, पर हुण ते बुढ़ा हो गया है, पर तन है जिसने नितनेम नहीं त्यागया, जिन नितनेम नहीं छड्या उसकी करनी बेअर्थ नहीं गई, उनू फल लगन ते आया है। कोई आखे कि मैं अज बीज बीज के अज ही इसका फल लै लवान, अनहोनी गल है, कुछ समा लगता है। अज इसकी कमाई का ब्रिश फलन ते आया है, अज भी अमृत वेले तो नदी किनारे बैठा है, भगवान की मूर्त रखी सामने, हाथ विच माला है, अखां मीटियां हुई ते जप रहा है, ते जिस वेले नितनेम पूरा होया, कागज की पूड़ी खोली विच बर्फी भगवान दे अगे रखी, लो महाराज तुहाडी कृपा नाल जप संपूर्ण होया, आप भोग लाओ सीध प्रसाद बख्शो। ए आख के बुढ़े ब्राह्मण ने जिस वेले अखां मीटियां हाथ जोड़े बेनती की भगवान भोग लाओ, ताइए कन्नी आवाज पई जिमें किसी ने उस कागज दे विचों मठियाई चुक ली हो। पंडित ने नेत्र खोले, नेत्र खोले तो की तकिया, एक सुंदर बालक जिसते मगर होर भी बहुत बालक हैं, और ये सब तो अगे सोना ते सुनखा बालक मठियाई चुक चुक के खाई जाता है। बड़ा गुस्सा चढ़िया, भगवान वास्ते प्रसाद रखिया सी, इस बालक ने झूठा कर दिता है। गुस्से नाल उठिया, भी फड़ लवां इस बालक नू ते दो चपेड़ां इस दे मुंह ते ला दिया ताकि अगों एहो जी हरकत ना करे, पर वो बालक हथ ना आया, औ गया औ गया, ए बुढ़ा सी मगर भज ना सकिया। हौका लिया, अज तां मेरा नितनेम खुंज गया, प्रसाद लियांदा सी भगवान वास्ते वो प्रसाद झूठा हो गया। अच्छा भगवान तेरी रजा, मेरे कोई वस की गल नहीं सी, ए कोई ऐसा अथरा बालक सी जो प्रसाद तेरा झूठा कर गया है। वो सारी रात पंडित ना सुता कि अज मेरा नितनेम अधूरा रह गया है। अगले दिन सवेरे उठिया, जिस वेले आया नाल सोटी भी ले आया, पता नहीं अज वो बालक फिर आ जावे, जी आया तो खूब खबर लवांगा, इंज तो इस आदत पै जाएगी रोज रोज दी। मैं जिस वेले प्रसाद रख के मत्था टेकदा पता नहीं कितों आ जाता है, आ जाएगा फिर खा लेगा, इस वास्ते नाल सोटी ले आया है। पर अज भी उस तरह होया, जा उसका नितनेम पूरा होया, प्रसाद अगे रखिया ते जिस वेले हाथ जोड़े पहला चार फेरे देखिया भी वो बालक किते है तो नहीं, तसली कर ली, ते जिस वेले उन्हें अखां मीटियां ते आख्या पगन भोग लाओ ता कागज फिर खड़किया, फिर जापिया जिवें किसी ने उस विचों लड्डू चुक लिया होवे। फिर इसने अखां खोलियां ते तकिया ता ओयो कल वाला बालक लड्डू खा रहा है। साध संत बोलो श्री वाहेगुरु जी। कला आप ही नहीं खा रहा, जितने बाकी पे सन ओ नाल दियां साथियां नूं वरता दिते। बड़ा गुस्सा चढ़िया, उठिया ते पजिया, आखे नूं फड़ना है, अगे अगे ओ बालक ते मगर मगर ए पंडित। साध संगत वालों श्री वाहेगुरु जी। साध संगत पता जी ए बालक कौन सी, ए सन कलगीधर सच्चे पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे आपां सिख हां। ये जिक्र है पटना साहब का, हजूर ने बचपन के कुछ वरे पटना साहब गुजारे सन, उथे ही प्रकाश होया सी, अपनी बाणी विच आख्या है, तई प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखे पवले। गुरु तेग बहादुर ता सच्चे पातशाह अगे असाम नू चले गए, ते माता गुजरी जी इथे टिक गए, ते इथे ही कलगीधर महाराज प्रगट होए सन, ते फिर जिस वेले कुछ संभले ते बच्चियां दी फौज बना ली, रोज नदी किनारे आ जांदे हन,
ਕਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਤੈਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਦੀ ਤੇ ਆਣ ਬਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੱਡੂ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜਨ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਹੱਥ ਆਏ ਕਿ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਗੁਜਰੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ। ਤ੍ਰਿਭਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਉਹ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਲਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਆਓ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਏਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਚਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਨੇਮ ਖੁੰਝਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਨੇ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਮਠਿਆਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਲੱਗੀ ਸਮਝਾਵਣ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੱਕੋ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ? ਜਿਸਨੇ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਆਕੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਾਲ ਜੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਸੱਦਦਾ। ਕੈਸਾ ਨਿਲੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੱਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਉ ਗਏ ਆਉ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਪਿਆ ਫੇਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਾਲਕ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਚਟਪਟ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਟਕੂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਲਕ, ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ,
उसने जरूर अपने बालक नूं समझाया होना, ताइए ते अज नहीं आया। चलो शुक्र होया। ये आख के पंडित ने जिस वेले पल्ले विचों मठियाई कढ़ी, भगवान की मूर्त दे अगे रखी, हजे हाथ जोड़ के आख्या ही सी पगवन भोग लाओ, आवाज आई सत बजन। देखिया की भई ओयो कल वाला बालक, परसों वाला बालक मुड़ मठियाई खाई जांदा। एडा गुस्सा चढ़िया भी एक बारी हाथ आ जावे सही, ऐसा करके छटा मुड़ मठियाई खाण जोगा ही न रवे। बड़े गुस्से नाल मगर भजिया, बस भजिया ही जांदा है। वाहो ताई साहब अगे अगे ते पंडित मगर मगर, हुण फिर माता दी गोद विच जा छपे। मां जी ये फिर मारदा है। लाल जी फिर गए सी। मां जी मैं जो आख्या सी भई जे बुलाएगा ते जावांगे। ता मां नूं भी गुस्सा आ गया, पंडित जी तुसी आप बुलाउंदे हो ते फिर आप ही मारन तुर पैंदे हो। गुस्से विच पंडित बोलिया, मैं कदों बुलाना, मैं इस बालक नूं बुलाना भी मेरी पूजा विच विघन पा जा। क्यों लाल जी? मां जी ये बुलांदा है। पंडित ने आख्या कदों बुलाना, अज नहीं सी बुलाया। हथ जोड़ के नैणा विच अथरू भर के केडी निम्रता नाल आख्या सी भगवन भोग लाओ। भगवन भोग लाओ ते मैं तैनू आख्या सी भोग लाओ? अपने इष्ट की कोई उपासना ही ना करे। मैं तो अपने राम जी नू आख्या सी भोग लाओ, मैं तैनू नहीं सी आख्या। ते खबरदार जे मुड़ उस रस्ते आया आ डिठी उलाठी, मैं लिहाज नहीं करांगा। मेरे हथां विच सिर्फ बल नहीं, मेरी जबान विच भी बल है। जे मैं चाहां तां तैनू श्राप दे दियां। मां ने हथ चंजड़े, पंडित जी क्रोध ना करो, क्रोध ना करो मेरे लाल ते। कोई श्राप दा अखर मूहों ना कढ़णा। अच्छा मां जे डरदी इस बुढ़े ब्राह्मण तों तां अपने लाल नूं वरज लै। पंडित जी कल नहीं आवेगा, मैं इहनूं बन के रखांगी, मैं पहरा रखांगी। मेरा लाल कल पूजा वेले घरों बाहर कदम नहीं रखेगा। अगला दिन होया, मां दे पैर ही पहरे रह गए। साहब पता नहीं केड़े वेले निकल गए ते जिस वेले पंडित ने आख्या पग लाओ, अखां मिटियां ते चट जाके प्रसाद चुक लिया। हुण फिर आखना पग लाओ, सोटी चुके मगर भजदा है। माता तक अलांबे दे आउंदा है, मुड़ केड़े मुंह नाल आखना पग लाओ जे लाउंदियां ते गुस्सा करदा। पंडित ने अखां खोलियां, क्रोध नाल सोटी चुकी, अज नहीं भजे। क्यों हुण ते हद हो गई है, किन्नी कवार मां कोल जावांगे। एक हाथ नाल पंडित ने बांह फड़ लई ते दूजे नाल सोटी। सोटी उलार के खड़ोता है पंडित शिवदत्त, कहिंदा अज काबू आया है, हुण दस बई फिर खाएगा। तू आखेगा तां खावांगे। ओ मैं कई वारी आखदा, मैं तैनू नहीं आखदा, मैं तां राम जी नूं आखदा हां। तां आखिया पंडित जी अखां खोलो, मैं तां उही हां, चट ही राम जी बन गए। साध संगत बोलो श्री वाहेगुरु जी। एक पासे निक्की जी पई है मूर्ति राम जी दी, एक पासे साख्यात राम खड़ोते हैं। हथो सोटी डिग पई, बां जेड़ी फड़ी सी वह छड़ दिती, लम्हा पै गया चरण फड़ ले। साहब ने तकिया, पंडित जी खबरे किन्ने जुगां तो पे तपस्या करदे सी, हुण जे पुगण दा वेला आया तां की हो गया, तुहाडियां अखां नूं पछाणदे ही नहीं। यही तां मार्ग है पुगण दा। अज इस मार्ग ते चल रहे सी, अज इन्ना चिर नितनेम करदे हुंदे सी, मैं तुहानूं तकदा रहिंदा सी, क्योंकि नितनेम करन वाले मैनूं बड़े सोहणे लगदे हन, बड़े प्यारे लगदे हन। आ तुहाडा रोज दा सतसंग, आ सत दा संग है जिहड़ा नाम जपणा है। सत है परमेश्वर दा नाम, ते एदी संगत करन वाला सतसंगी है। पंडित जी तुसी ता क्या, जिथे कोई बह के जपदा श्री वाह, मैं उथे ही होना। और मेरा जी करदा मैं उसनू गलवकड़ी पा लवां, उसदा रखिया प्रसाद चुके खा लवां। पर पंडित जी की करां, जिवें तुसी सोटियां चुक चुक के पैंदे रहे हो ना, इसे तरह अखां वाला कोई नहीं मिलदा। पर ओ जाने मैं अपनी निरादरी करा के भी, मेरे मगर जे कोई सोटियां लेके भी भजिया, मैं नाराज नहीं होया, मैं गुस्से नहीं होया, मैं फिर भी उसके नितनेम तो सदके हुंदा रहा हां। साध संगत बोलो श्री वाहेगुरु जी। शिवदत्त रो रहा है, अथरू बस नहीं हुंदे। हजूर जान लगे ता रो के पुकारिया, ना जाओ, आख्या कल आवांगे। इसे वेले जदों नितनेम करोगे ता अज पंडित उचेचा दुपहरे प्रसाद का टोकरा लैके माता गुजरी दे घर आया।
प्रसाद रख के मथा टेकिया, लम्मा पै के नौत की, मां तू तन है जिस दी गोद विच ए लाल खेडिया है। मां ने आख्या, ओ पंडित जी अज ता नहीं ना गया मेरा लाल, अज मैं पहरा रखिया सी, अज मैं बुआ बंद कर दिता, मैं आख्या अज नहीं जान देना। मां ने सोचा भी शायद इसे गलों खुश होके आया कि अज इसकी पूजा ठीक हुई है, अज ता नहीं ना विघन पिया, कोई विघन नहीं पाया मेरे लाल ने। पंडित रो पिया, मां जी अपने लाल नू आखो मेरी पूजा विच रोज विघन पाया करे, रोज आया करे ते रोज भोग लाया करे। पंडित जी कल की आखदे सी, परसों की आखदे सी, अज की हो गया तानू? पंडित ने आख्या, माता मैं कल अन्ना सी, परसों भी अन्ना सा, अज मैं सुजाखा हो गया, अज मेरिया अखां खुल गईयां हन। माता जी तुहाडी गोदी दा गोविंद निरा गोविंद नहीं, मेरा राम भी है। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु जी। मां चाकृत हो रही है। पंडित जी बुझारतां पे पाउंदे हो, कल कुछ आखदे सी अज कुछ, इन्ने चिर नू हजूर ने, हजूर भी आ गए। माता ने तकिया, आख्या लाल जी ए की माजरा है, पंडित की आखदा है? सह मुस्कुराए, माता जी इसे नू पुछो, मैं ता तानू कल भी आख्या सी, परसों भी आख्या सी, भी जे बुलाएगा ते जावांगी, जाते बुलाना छड़ देवे, जे बुलाउंदा है ओ मैनू जिथे कोई बुलाउंदा मैनू जाना पैंदा है। उस वेले पंडित उठिया, अगे वधिया, कलगीधर पातशाह दे चरण फड़ के चुम लीते। महां ने आख्या, क्यों लाल जी केड़ा जादू कीता है पंडित ते? हजूर ने आख्या, माता मैं केड़ा जादू कीता है, इन्हें मेरे उत्ते जादू कीता होया, तेरे ते किसी ने जादू कीता होया? मां डर गई, मेरे लाल ते कोई जादू करे? हजूर ने आख्या, हां मेरे ते जादू चल जांदा है उसका जेड़ा संगत विच आउंदा है, ते फिर मैं की लिया होया, जेड़ा नाम जपदा है नितनेम करता है, ते फिर मैं की लिया होया, वस आया होया उस दे कोल जांदा हां, और फिर जो जो कहे ठाकुर पै सेवक, सो तत्काल होए आवे, सेवक को निकटी होए दिखावे। फिर साध संगत उस वेले जमीन आसमान गूंज पे, ए राम दा पुजारी पर राम बन के दर्शन दिते। उस वेले जमीन आसमान गूंज पे, कोई अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, राम आखदा, कोई अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, कोई तेनू राम आखदा, कोई तेनू राम आखदा, कोई तेनू राम आखदा, कोई तेनू राम आखदा, अल्लाह कह के वाजा मारदा, राम आखदा, कोई अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, तेनू राम आखदा, कोई 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 अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, कोई तेनू राम आखदा, कोई अल्लाह अल्लाह कह के वाजा मारदा, कोई तेनू राम आखदा।